हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 9th स्टैंडर्ड के साइंस में से। दिस क्वेश्चन इज अबाउट सोनर। तो सोनर क्या है? सोनर ये जो है एक मशीन है, एक युक्ति है जिसको कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। SO फॉर साउंड, N फॉर नेविगेशन, A फॉर एंड और R फॉर रेंजिंग। तो ये एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि सोनार की अगर बात किया जाए, जहाज़ों में जो सिप्स होते हैं बड़े बड़े, यूं बड़े बड़े सिप्स, उसके नीचे दो ऐसे चीज़ लगाया जाता है। एक को कहा जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक को कहा जाता है प्रेषित और दूसरे को कहा जाता है सुसंचक। तो ये प्रेषित क्या करता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। पहला पॉइंट में हम गौर करेंगे, सोनार एक युक्ति जो पानी के नीचे पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यह सोनार क्या है, एक युक्ति है, ऐसी युक्ति है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर रहे हुए, पानी के अंदर कोई पिंड हो वहाँ तक की दूरी और चाल, ये दोनों हम निकाल सकते हैं। और जो भी कुछ पिंड हो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वह पिंड कितने दूर पर है उसकी भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, पानी के नीचे रहे हुए दूरी, दिशा तथा चाल को नापने के लिए हम किसकी यूज करते हैं, सोनार की। सोनार एक प्रेषित तथा एक सुसंचक होता है जो जहाज के तली में लगा रहता है। तो ये जो सोनार है उसमें क्या होता है ना, जहाज़ के नीचे ऐसे दो चीज़ लगाया जाता है जिसमें से एक को प्रेषित के नाम दिया जाता है और दूसरे को सुसंचक। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेषित क्या करता है ना, पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करके प्रेषित करता है। ये जो प्रेषित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एरो नीचे आए हैं, यहाँ से पराध्वनि तरंगों को नीचे भेजता है पानी से होकर। और समझ लो यहाँ पे एक पिंड है, तो पराध्वनि तरंग यहाँ पे टकराया और यहाँ से परावर्तित होता है। परावर्तित होना मतलब टकरा के वापस जाना। यहाँ पे आप देख सकते हो एरो लगाया गया है कि ये टकरा के क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। वापस जाने के बाद कहाँ पे ये जाता है ना, सुसंचक के पास जाता है। सुसंचक वहाँ पे उसको नोट कर देता है। उसके बाद होता क्या है ना, ये तरंग पानी में चलते हैं, समुद्र के तल में पिंडों से टकरा कर परावर्तित होकर सुसंचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और विद्युत संकेतों में बदल जाता है। जब ये टकरा के आता है वापस, कौन सा, ये पराध्वनि तरंग जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जब ये टकरा के आता है चीज़ों से तो ये विद्युत संकेतों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वह अल्ट्रासाउंड विद्युत संकेत में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, वह युक्ति पराध्वनि तरंग द्वारा जहाज से समुद्र तल की जाने तक वापस जहाज तक आने के लिए समय को नाप लेता है। ये जो सोनार क्या है, ये समय नापता है। सोनार क्या करता है, समय नापता है। और सोनार में ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसी लगाएंगे तो एसी का आपको पता है आउटर होता है और इनर होता है, तो वैसे ये सोनार में क्या है ना, नीचे भी दो युक्ति लगाया जाता है। युक्तियों का नाम फिर से बता देता हूँ, एक होता है प्रेषित और दूसरा होता है सुसंचक। प्रेषित क्या करता है फिर से बताओ, प्रेषित यहाँ पे पराध्वनि तरंगों को फेंकता है और ग्रहण कौन करता है, ये आपके सुसंचक। और कितने दूर, कितने दूरी में ये जहाँ के कोई पिंड गिरा है वहाँ से टकरा के ये किरण वापस आता है, उससे पता चल जाता है हमारे सोनर के द्वारा कि वह पिंड कितने दूर पर स्थित है। तो क्या करोगे, समझ लो यहाँ पर है ना, यहाँ पर प्रेषित ने अल्ट्रासाउंड भेजा और यहाँ पे टकरा कर ये वापस आया सुसंचक के पास, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत संकेत में। और विद्युत संकेत में जैसे ये कन्वर्ट होता है उसको हमारा सोनार नोट कर लेगा। समझ लो 10 किलोमीटर नोट किया, इसका मतलब है ये जो पिंड पानी में कितने नीचे पड़ा है उसका आधा कर लो, क्योंकि आके गया है तो 10 किलोमीटर, लेकिन सच में कितने दूर पर होगा, 5 किलोमीटर पर, आधा कर लेना है। इस समय का आधा पराध्वनि तरंगों द्वारा जहाज से समुद्र तक जाने के लिए किया जाता है। और जो समय लिया जाता है, लेता है पराध्वनि तरंग, पराध्वनि साउंड जो होता है वह टकरा के वापस आने के लिए जो समय लेता है उसको टी कहते हैं। और समुद्र में ध्वनि की चाल को वी कहते हैं, इसलिए जो आपकी दूरी है उसको 2D से आप प्रदर्शित कर सकते हो। 2D इक्वल टू वी पाई टी, यह विधि प्रतिध्वनिक परासि कहलाता है। यह जो विधि है आपको सोनर सिस्टम यूज़ करने के बाद जो प्रोसेस है उस विधि को हम क्या कहेंगे, जो विधि है उसे कहते हैं परास, क्या, प्रतिध्वनिक परास। अब यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया, जैसे आपका प्रेषित है, प्रेषित से पराध्वनि तरंग को भेजा जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद वह परावर्तित होगा और सुसंचक के पास आएगा। सुसंचक के पास जैसे ही वह आता है वह विद्युत सूचना में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी सोनार उसको नोट कर लेता है। सोनार नोट करने के बाद आप उसको आधा कर लेना और आधा करके आपको पता चल जाएगा कि कितने दूर में ये चीज़ स्थित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए गुड बाय।